तो ऑल राइट गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे GTA मिक्स्ड मॉड के बारे में। एक ऐसा मॉड जिसे आप लिटरली GTA ट्रिलॉजी को यानी कि GTA 3, GTA Vice City एंड GTA San Andreas गेम को लिटरली तुम एक ही गेम के अंदर एक्सपीरियंस कर पाओगे, और वो भी हाई रियलिस्टिक एनहांस्ड ग्राफिक्स मॉड के साथ। एंड मैं इस टॉपिक पे कुछ टाइम पहले भी एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करी थी, बट उस वीडियो पे मैंने सिर्फ इस मॉड की आपको इंस्टॉलेशन दिखाई थी, मैंने मॉड्स को उतना अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया था। वेल, तो आज के इस वीडियो पे मैं आपको इस मॉड की प्रॉपर इंस्टॉलेशन से लेके मैं गेम के अंदर 20+ कुछ एडिशनल मॉड्स को भी गेम के अंदर ऐड करूंगा, जिससे आपकी कम्प्लीटली जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो और भी ज़्यादा एनहेंस हो जाए। एंड स्क्रीन पे आप जो गेम प्ले देख रहे हो, आपको कम्प्लीट यही ग्राफिक्स एंड कम्प्लीटली यही गेम आपको आज मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक देखना। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ऐसे ही और भी मजेदार वीडियोस को फ्यूचर में देखने के लिए। तो ऑल राइट गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इस मॉड की जो प्रॉपर इंस्टॉलेशन है मैं तुमको वो दिखाऊंगा, बट यहाँ पर इंस्टॉलेशन से पहले आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गेम का एक बैकअप बना लेनी है, यानी कि गेम के जितने भी सारे फाइल्स हैं उनको आप किसी एक और ड्राइव पे आपको कॉपी करके सेव कर लेनी है, जिससे आप ओरिजिनल गेम है उसको भी आप प्ले कर पाओ। एंड देन आपकी जो गेम फोल्डर है वो बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, यानी कि आपके गेम के अंदर कोई भी मॉड्स पहले से इंस्टॉल नहीं होनी चाहिए। एंड देन इस मॉड को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन पे मेरी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाके तुम इस मॉड को डाउनलोड कर सकते हो। एंड मॉड की साइज़ अराउंड कुछ 300 MB के आसपास है। मॉड को फर्स्ट ऑफ ऑल डाउनलोड कर लो, एंड देन इंस्टॉल करने के लिए जस्ट तुमको San Andreas की जो गेम फोल्डर है उसको ओपन कर लेनी है। एंड देन मॉड के फाइल को ओपन कर लो, एंड देन यहाँ पर तुमको जितने भी सारे फाइल्स देखने के लिए मिलेगी सभी फाइल्स को सिलेक्ट कर लो, एंड इन सारे फाइल्स को सिंपली गेम फोल्डर के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देनी है। एंड देन यहाँ पर रिप्लेस मांगेगा, आपको रिप्लेस कर देनी है। एंड देन San Andreas की जो लॉन्चर है जस्ट सिंपली इस पर राइट क्लिक करके रीनेम पे कर दो, एंड यहाँ पर इसे हटा के जस्ट एक डॉट ऐड कर देनी है तुमको। एंड देन यहाँ पर से मॉड की जो इंस्टॉलेशन है वो यहाँ पर सक्सेसफुली डन हो जाएगी। एंड इंस्टॉलेशन को यहाँ पर सिंपल रखने के लिए मैंने GTA मिक्स्ड मॉड प्लस जो ग्राफिक्स मॉड रहती है एंड प्लस जितने भी सारे एडिशनल मॉड्स रहती है सारे फाइल्स को मैंने एक ही साथ कंबाइन करके मैंने तुमको पूरी फाइल ही तुमको मैंने प्रोवाइड कर दी है। जस्ट इसे डाउनलोड करके तुम्हें गेम के अंदर इंस्टॉल कर लेनी है, देन तुम इजीली इस मॉड को अपने गेम के अंदर एक्सपीरियंस कर पाओगे। एंड अभी गेम के अंदर मॉड को कैसे एक्सेस करना है मैं आपको वो दिखाऊंगा, यानी कि गेम प्ले दिखाऊंगा। तो ऑल राइट, यहाँ पर इन सारे मॉड्स को गेम के अंदर इंस्टॉल करने के बाद गेम को जब आप ओपन करोगे तो तुम्हारी San Andreas गेम तो नॉर्मली ओपन हो जाएगी, बट गेम के अंदर की जो ग्राफिक्स है एंड जो टेक्सचर्स वगैरह, वेजिटेशन वगैरह एंड टाइम साइकिल, वेदर वगैरह सब कुछ चेंज हो जाएगी। एंड गेम देखो कितनी ज़्यादा पहले से रियलिस्टिक बन चुकी है। एंड अभी तुम San Andreas गेम को तो ईजिली न्यू ग्राफिक्स के साथ एक्सपीरियंस कर पाओगे, बट बाकी के जो गेम्स है GTA 3 एंड Vice City इन पे एक्सेस करने के लिए सिंपली तुमको गेम के अंदर मैप को ओपन कर लेनी है। एंड मैप के अंदर देखो तुम्हें इस पॉइंट पे आके एक ब्रिज दिखेगी, एंड ये ब्रिज तुमको Vice City एंड जो GTA 3 है इन तीनों गेम से कनेक्ट कराती है। एंड नॉर्मली तुम ब्रिज के थ्रू भी इन मैप्स पे एक्सेस कर पाओगे, नहीं तो मैंने गेम के अंदर एक और इंटरेस्टिंग मॉड्स को भी ऐड कर दिए जो कि है मॉड मेनू। एंड इसमें तुम्हें ढेर सारे फीचर्स देखने के लिए मिल जाएगी, एंड इसमें से एक है टेलीपोर्टेशन। जस्ट तुमको सिंपली मैप को ओपन कर लेनी है, एंड मैप के अंदर तुम जिस जगह पे जाना चाहते हो वहाँ पे जस्ट तुमको मार्क लगा लेनी है। तो मैं यहाँ पर से सिंपली Vice City पे एक मार्क ऐड कर देती हूँ, एंड देन तुम्हें मॉड मेनू को ओपन करने के लिए कीबोर्ड के अंदर F7 की प्रेस करनी है। एंड यहाँ पर से सिंपली टेलीपोर्ट ऑप्शन पे जाओ, एंड देन टेलीपोर्ट टू वे पॉइंट, एंड देन डायरेक्टली तुम यहाँ पर से Vice City पे एंटर कर जाओगे। एंड Vice City देखो कितनी ज़्यादा हमें रियलिस्टिक दिख रही है, एंड मैंने जितने भी सारे एडिशनल मॉड्स को ऐड करी थी उन सभी से Vice City भी काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो चुकी है। एंड तुम वेजिटेशन एंड टेक्सचर्स वगैरह देख सकते हो, एंड मैप के अंदर तुमको Vice City की जो ओरिजिनल व्हीकल्स एंड जो पिल स्टेशन है वो भी तुमको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी, एज इट इज़ जो है वो रिप्लेस हो चुकी है। एंड साथ में तुम जितने भी सारे इंटीरियर्स है उन पे भी तुम एक्सेस कर पाओगे। एंड अभी मैं तुम्हें GTA 3 की भी जो ग्राफिक्स एंड टेक्सचर्स वगैरह वो शो करा देता हूँ। एंड टेलीपोर्ट के थ्रू मैं GTA 3 में भी अभी एंटर कर चुका हूँ,
एंड GTA 3 को भी तुम देखो, ग्राफिक्स एंड टेक्सचर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा एनहेंस भी हो चुकी है। एंड तुम वाइस सिटी एंड GTA 3 के जो ओरिजिनल मिशन है वो तो तुम यहाँ पर नहीं कर सकते, बट अच्छे ग्राफिक्स एंड गेम प्ले के साथ तीनों गेम्स को एक ही गेम के अंदर एक्सपीरियंस कर सकते हो। एंड यहाँ पर भी तुम्हें GTA 3 की जो ओरिजिनल व्हीकल्स है एंड बाकी जो पिट स्टेशन वगैरह है वो भी तुम्हें यहाँ पर एज इट इज़ देखने के लिए मिल जाएगी। वेल तो अभी आपकी जो सैन एंड्रियास गेम है वो एक GTA की बिगेस्ट मैप वाली एक बिगेस्ट गेम बन चुकी है। एंड आप इजीली अच्छे ग्राफिक्स एंड गेम प्ले के साथ GTA की तीनों गेम्स को एक साथ अपने गेम के अंदर एक्सपीरियंस कर पाओगे। एंड मॉड को इंस्टॉल करने में अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह रहती है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड बाकी आज के लिए सिर्फ बस इतना ही। वीडियो को मेक श्योर लाइक कर दो एंड लाइक एम करते 50 लाइक्स की आई होप कि आप कंप्लीट करवा दोगे। एंड चैनल को भी आप थोड़ा सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही और भी मज़ेदार वीडियोस को फ्यूचर में देखने के लिए। एंड बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।